नहीं दे, उसी का गुंडागर्दी से कार बाहर हुआ है। गुंडागर्दी से गोली चली है उसी से, और उसको खुले चलने से सब से निवेदन करूंगा, उसको उसको आज शाम तक गिरफ्तारी चाहिए तो चाहिए, किसी हद तक जाना पड़े। कानपुर के एक गांव में संत रविदास की प्रतिमा खंडित होने से बड़ा बवाल मच गया। दबंगों द्वारा मारपीट और फायरिंग करने के विरोध में दलित समाज आक्रोशित हो गया। तो बोलता हूं मनीष तिवारी ने, उसी का गुंडागर्दी से कार बाहर हुआ है। गुंडागर्दी से गोली चली है उसी से, और उसको खुले चलने से सब से निवेदन करूंगा, उसको उसको आज शाम तक गिरफ्तारी चाहिए। जानकारी के मुताबिक कानपुर के थाना साहड़ अंतर्गत पहेवा गांव में बुद्ध कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आरोप है कि कुछ दबंगों ने देर रात लाठी डंडों के साथ हमला बोल दिया, इसमें कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि दबंगों ने फायरिंग भी की और संत रविदास की प्रतिमा को खंडित कर दिया, इससे दलित समाज में आक्रोश बढ़ गया। यहाँ पे सर बुद्ध कथा चल रही थी, 9 दिवसीय रखे गए थे, 4 दिन हो चुके थे, चौथे दिन रात को ब्राह्मणों के कुछ लोग आ करके अज्ञात, लगभग जानकारी में 15 से 20 लोग थे और बाकी अज्ञात लोगों ने आकर यहाँ हमला कर दिया। जो हमारे साउंड सर्विस वाले लोग थे, बच्चे लोग या बुजुर्ग, मतलब लड़के 4-6 लोग, वो लोग सो रहे थे, उनको राड और डंडों से पीटा, पीटने के बाद में लुहान कर दिया। करने के बाद में सर वो जब जाना कि ये लोग जान गए हैं तो इन्होंने फायरिंग किया, और फायरिंग करने के बाद में यहाँ पे गोली चलाई, कम से कम 4 राउंड सर मारपीट हुई। टेंट लाइट सब कुछ तोड़ दिया गया, जो लोग थे टेंट वाले 3 लड़के थे, 2 को घायल करके घायल हो गए, जब हम लोग आए तो उनको अस्पताल भेजा अलर्ट। अच्छा, किसने मारपीट किया था? चंद्रभान मिश्रा, आशु तिवारी और मनीष तिवारी, गोलू मिश्रा, सुभाष। ये लोग कहाँ के हैं? पहेवा के हैं, कुछ पसियावा के हैं, कुछ रार के हैं। क्या घटना किया था? मारपीट की थी, तोड़ फोड़ की, गोली चली, वारदात पे ब्लड भी मिली। बवाल की सूचना पर पुलिस के अधिकारी, भारी पुलिस बल और पीएसी के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने संत रविदास की खंडित प्रतिमा को हटवा कर नई प्रतिमा लगवा दी है। साढ़ थाना क्षेत्र के पहेवा गांव से थाने पर सूचना दी गई कि वहां पे कुछ लोगों के द्वारा संत रविदास जी की प्रतिमा तोड़ दी गई है और साथ में 2-3 लोगों के साथ मारपीट की गई है। ये भी सूचना दी गई कि जो लोग आए थे उन लोगों ने फायरिंग की है। पूरी घटना को तत्काल गंभीरता पूर्वक लिया गया, वहाँ पे घटनास्थल की जांच की गई, संत रविदास जी की जो है प्रतिमा वहाँ पे नई लगा दी गई है, और स्थानीय व्यक्तियों के मदद से वहाँ पे स्थिति को नियंत्रण में किया गया है, स्थिति नियंत्रण में है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है साढ़ थाने में, 147, 148, 149, 304, 504, 427, 395, 295, 295A, 336 एवं अनुसूचित जाति जनजाति निसंसता निवारण अधिनियम की धारा 325, 321 और 322 जो कंसर्न सेक्शंस हैं उसके अंतर्गत दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कह रही है कि कोशिश है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो सके।